75वीं स्वतंत्रता दिवस पर इंडेक्स अस्पताल में स्वतंत्रता मोतियाबिंद अंधत्व से नामक नयनदीप प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जहां हर जरूरतमंद व्यक्ति की आंखों के मोतियाबिंद का निशुल्क ऑपरेशन होगा। देखिए ये रिपोर्ट। इस अहम प्रोजेक्ट नयनदीप की स्थापना पर इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया, वाइस चेयरमैन मयंकराज सिंह भदौरिया, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जी एस पटेल, ऑप्थेल्मोलॉजी विभाग की एचओडी डॉक्टर वंदना तेलकोटे और ऑप्थेल्मोलॉजी डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर महाशब्दे मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां इस अवसर पर ऑप्थेल्मोलॉजी विभाग की एचओडी डॉक्टर वंदना तेलकोटे ने सभी अतिथियों का स्वागत किया एवं ऑप्थेल्मोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर महाशब्दे ने प्रोजेक्ट नयनदीप के बारे में वहाँ उपस्थित सभी लोगों को विस्तार से बताया। यहाँ पे हमने 15 अगस्त को एक नयनदीप प्रकल्प प्रारंभ किया है, स्वतंत्रता मोतियाबिंद अंधत्व से। इसके अंतर्गत हमने 24 केंद्रों की स्थापना की है इंडेक्स हॉस्पिटल के आसपास के क्षेत्रों में, करीबन 70 किलोमीटर रेडियस में, जिसमें हमने एक रूट पे 8 रूट बनाए हैं, एक रूट पे 3 केंद्र हैं जो अलग अलग अंतरों पे हैं। और इसमें हमने यहाँ पे हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हमारी टीम जाके इन केंद्रों से मरीजों की जांच करके, ऐसे मरीज जिनको मोतियाबिंद की वजह से अंधत्व हो रहा है उनकी पहचान करके हम उनको यहाँ लेके आएंगे। उनके निशुल्क ऑपरेशन मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को होंगे और शनिवार को होंगे, और उनकी हम उनको वापस अगले दिन दवाई देके उनको वहाँ पर छोड़ के आएंगे उनके गांवों में। पूरे क्षेत्र में अभी इंडेक्स हॉस्पिटल के अलावा कोई अच्छा नेत्र चिकित्सा केंद्र नहीं है, और आगे चल के ये केंद्र हमारा इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट साबित होगा, जहाँ लोगों को उनकी दृष्टि मिलेगी। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे डायरेक्टर चेयरमैन श्री सुरेश जी भदौरिया का आभारी हूँ, जिन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट शुरू करने की पूरी प्रेरणा दी, और इसके माध्यम से हम इस क्षेत्र के लोगों के लिए प्रतिवर्ष 1000 से ज़्यादा निशुल्क ऑपरेशन कर उन्हें दृष्टि प्रदान करने का काम करने वाले हैं। इस अवसर पर पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर के सक्सेना, पीजी डायरेक्टर डॉक्टर बी के अग्रवाल, डॉक्टर सोनाली मित्तल समेत कई सर्जन मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।